ओके तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2023। तो इसमें एक छोटी सी ड्राइंग है, ये इसको बनाना सीखेंगे। इसमें हम ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे, मिरर का यूज करेंगे, रोटेट का यूज करेंगे, है ना। 2D ड्राइंग को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले ये देखो, हमारे पास है यूनिट जो है MM में आ रहे हैं, मैट्रिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ये देखो, यहाँ लिखा है करंट सेशन, दिस इज फॉर ओनली करंट सेशन। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो वो सिर्फ इसी सेशन के लिए है, ठीक है। तो जैसे ही मैं मास्टर कैंप बंद करके दोबारा खोलूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, वापस से MM हो जाए, ठीक है। तो अगर मुझे परमानेंटली चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे चेंज करने के साथ साथ मुझे स्टार्ट एंड एग्जिट में जाके यहां से भी चेंज। तो ओके अगर मैं यहाँ दोनों दोनों जगह से MM कर देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट जो है अब MM में ही काम है। जब भी मैं ड्राइंग खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, ठीक है, तो उस टाइम जो है मेरा MM में ही काम है। सेकेंड चीज, यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट मास्टर गेम फाइल नेम। अच्छा, एक और चीज समझने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट। हम एक नई फाइल खोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ये MM में आ रहा है। सपोज करो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया 100 बाय 100, ठीक है, या 100 बाय 200 का, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। मैं यूनिट चेंज करने के बारे में ही बता रहा हूँ। हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ से यूनिट कर देंगे इंच। तो वो ये वार्निंग दे रहा है कि आपके जो यूनिट चेंज करने से आपका स्केल चेंज हो जाए। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो वो कह रहा है स्केल करंट पार्ट टू इंचेस, और इफ आई प्रेस यस तो वो स्केल होके इंचेस में कन्वर्ट हो ओके गया। दैट मींस अगर अब मैं इसको मेजर करूंगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होके इंडस्ट्री चेंज हो गया। ये 7.8 हो गया, ये थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट नाइन नाइन सेवन थ्री ठीक ठीक है। इसका मतलब ये हो है गया कि उसने उसका स्केल, ड्राइंग का साइज चेंज नहीं हुआ, है ठीक ना। तो उसने है डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग कर। तो दोबारा से देखते हैं, अगर मैं इसको फिर से MM में कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और यस कर देता हूँ, तो कह रहा डिलीट एसोसिएट ड्राइंग, इग्नोर ठीक इग्नोर कर देते हैं। ये डायमेंशंस की प्रॉब्लम नहीं है, डायमेंशन डिलीट कर दो, ये MM में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से अगर हम चेक करेंगे तो ये 100 है और ये है 200 है, ठीक है। पर अगर मैं इसको नो कर देता हूं, जब मैंने इसको यूनिट चेंज किया और अगर मैं इसको इंचेस करके नो कर देता हूं तो सेम चीज कन्वर्ट हो गई। नाउ अब वो 100 नहीं है, वो बढ़ गया साइज, बहुत बड़ा हो गया साइज। तो ये 100 इंचेस बन गया, ठीक है। देखने में ऐसे लगता है कि वहां पे स्केल छोटा बड़ा हो रहा है, पर एक्चुअल में ये 100 इंचेस बन गया और ये 200 इंचेस बन गया, बहुत बड़ा हो गया ये बेसिकली, ठीक है। तो हमेशा हमारे को यस करना है ताकि ड्राइंग में कोई असर ना, ठीक ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है हमारे को। तो अब हम आते हैं वापस अपने ड्राइंग पे। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल 125 बाय 125 का बहुत इजी ड्राइंग है।
हम वायर फ्रेम में जाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे 125 बाय 125, ठीक है। तो अभी देखो ये कॉर्नर में आ रहा है, मेरे को चाहिए एंकर टू सेंटर। सेंटर ओके। और अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो और अच्छी बात है। तो ये बाय डिफॉल्ट बन गया 125। इसका एक और तरीका भी था कि मैं ये लॉक करने की बजाय मैं एंकर टू सेंटर ऑन करके सेंटर में रख देता और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके इसको वैल्यू बाद में भी दी जा सकती है। ठीक है। लॉक करने का बेनिफिट ये होता है कि आप जितने मर्जी बनाते हो, आपने एक बार लॉक कर दिया, दैट्स इट, आप जितनी मर्जी बार बना सकते। मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमारे को यहाँ पे ड्राइंग में गिवन है कि एक 60 का रेडियस है, एक 35 का रेडियस है, तो दो सर्कल चाहिए हमारे को। देखो कितना अच्छा तुक्का है, तुक्का समझते हो क्या होता है ना? तो ये देखो 59.02 है ना, हमारे को 60 चाहिए। 60. आपको भी अच्छा तुक्का मारना है। और दूसरा हमारे कितने का चाहिए, 35, ठीक है, 35। उसके बाद हमारे को सेंटर लाइन को ऑफसेट करना है। यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगाई मैंने और इसको ऑफसेट करेंगे बोथ साइड। बोथ साइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे को जो ड्राइंग में गिवन है वो 20 टोटल गिवन है, तो यानी कि मुझे 10 ऑफसेट करना है बोथ साइड। ठीक है। और इसको मैं मिला दूंगा, इसको भी मैं मिला दूंगा। ओके, एक्स्ट्रा चीज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। और इसको हम रेडियस देंगे 6.5 का ऑल कॉर्नर्स। तो यहाँ पे हमारे पास फिलेट की ऑप्शन है 6.5। ठीक है, सेंट्रल लाइन का कोई काम नहीं है तो उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, वैसे है अभी, चलो रहने देते हैं। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, रोटेट करना चाहता हूँ इतने पोर्शन को। ऐसे विंडो बना सकते हैं, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, ऐसे विंडो बना के मैं सेलेक्ट करूंगा। एंड सेलेक्शन, नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, टोटल स्वीप 360। अभी हमारे को 6 नहीं चाहिए, हमारे को 8 चाहिए। सर एंगल हम लोग 180 दिया तो ऊपर में 3 हो जाएगा। हाँ, अगर 180 कर दिया तो ये फर्स्ट से ये 180 हो गया। तो ठीक है, ठीक है, 360 कर देंगे तो 360 हो गया। ओ ठीक है, कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लियर। ठीक है, अभी हमारे को एक होल चाहिए 10 का, तो 105 पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ लॉक ऑन करके 105 बाय 105, ताकि मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाए। अब ऐसे भी कर सकते थे कि 10 का डायमीटर लो और लॉक कर दो एंड क्लिक, जस्ट क्लिक। ओके, ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दें, ट्रांसलेट दिस सर्कल एंड एक्स में कितना चाहिए 105, वाई में कितना चाहिए
और नंबर ऑफ आइटम्स टू। टू। ये अच्छा ये उधर चला गया, ये एक एक करके करना पड़ेगा। 105 नंबर ऑफ आइटम्स वन, ठीक है। ठीक है, और ये कॉपी हो गया, और फिर इसको इन दोनों को सेलेक्ट करके अभी वाई में 105। आई थिंक वो पहले वाला तरीका ज्यादा अच्छा था, हाँ पहले वाला अच्छा। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ आइटम ज्यादा हो तब हमारे को इसका बेनिफिट होगा, अभी नंबर ऑफ आइटम थोड़े थे इसलिए इसका कोई, चलो जो भी है हमें सीखने से मतलब है, हमारे को कमांड समझ में आनी चाहिए। उसके बाद मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू कर दूंगा, और ड्राइंग में हमारे को गिवन है नीचे वाली प्लेट जो है वो 10 mm की है, तो टोटल 45। टोटल 45। तो हम एक्सट्रूड करेंगे सॉलिड में जाके, सर्कल्स को भी साल ले लेते हैं क्योंकि क्लोज बाउंड्री के अंदर क्लोज बाउंड्री होगी तो वो ऑटोमेटिकली हॉलो हो जाए। ओके। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इन सबको भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आई थिंक डबल हो गया। वो सेलेक्ट नहीं हो गया। हाँ हाँ तो एक कमांड है यहाँ पे बड़ी अच्छी, यहाँ पे कमांड होती है एक होम में रन एडिंग, रन एडिंग, इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड ओवरलैप, फाइंड ओवरलैप डॉट डीएल, ओके। इसको ओपन करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे एंड सेलेक्शन, तो ये हमारे को दिखाएगा कि नंबर ऑफ एंटिटीज, ये देखो यहाँ लिखा है ओवरलैप एंटिटी 1 of 16 line। अगर मैं इसको क्लीन अप कर दूंगा तो ये देखो ये दिखा रहा है 8 ओवरलैप एंटिटीज डिलीट की, डिलीट। ठीक है। तो जो भी ओवरलैप था वो सब अब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके ओके। वो उसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं? रन एडिंग। हाँ होम के अंदर रन एड इन एंड फाइंड ओवरलैप, फाइंड ओवरलैप। ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर एक बार में सिलेक्ट ना हो ना तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। ठीक तो एक बार ये हम उसको चला के देख सकते हैं। ये अच्छी है, तो ये बराबर ग्रीन में दिखाया जाएगा हाँ ऐसा। हाँ हाँ एक बार में सिलेक्ट कर दे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये टोटल है 45, 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये हो गया 35। ठीक है। इसको क्रिएट बॉडी नहीं करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड से ये दोनों सॉलिड बॉडी मर्ज हो जाएंगे, ओह ठीक है ठीक है। और ओके कर देंगे। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को मैं वायर फ्रेम एंटिटीज तो मैं यहां से होम में जाके ब्लैंक कर सकता हूं, अब ये सॉलिड बॉडी रहे। ठीक है। कई बार क्या होता है, वैसे तो हमारी ड्राइंग जो है बन गई है, यही मॉडल हम बनाना चाह रहे थे, कई ठीक है, तो यही बनाना चाह रहे थे, ये हमारी ड्राइंग बन गई है, पर हम चाहते हैं सपोज करो कुछ चीजें करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये जो मॉडल है यहाँ पे कमांड होती है, अभी देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा यहाँ कहीं पड़ा, मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए टॉप पे, टॉप पे चाहिए। ठीक मैं क्या करूंगा, मान लो कई बार क्या होता है हमारे पास बना बनाया मॉडल आ जाता है कंपनी है। से, तो हाँ ऐसा आ ठीक गया उसका कोऑर्डिनेट है। सिस्टम ठीक कहीं एक्स वाई जेड कहीं पड़ा हुआ, हमारे को अपनी पसंद से टॉप पे रखना, तो टॉप हम पे क्या रखना करेंगे चाहिए। यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स लेंगे,
बॉडी सेलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्शन, तो एक देखो बॉक्स बनने लगे, ठीक ठीक है। उसने साइज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, और है तो फायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखो लाइंस आ, ठीक तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ओरिजिन, ये मिड पॉइंट क्लिक नहीं कर किया, जस्ट उसके ऊपर कर्सर लेके गया तो वो ग्रीन हो गया। ठीक है फिर मैं इधर गया, यहां पे भी कर्सर लिया तो ये भी ग्रीन हो गया, पर एक रेड भी हमारे को नजर आने लग गया, वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, पॉइंट है ठीक है तो हम वो मिड पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो है नीचे हो गया। ठीक है। और एक और हमारा डाउट, हम लोग एक्स एक्स में किया वो किया बोलिए ना, वाई में नहीं किया ना, एक ही एक्स में करेंगे तो वो सेंटर हो जाएगा एक्स का वाई का। हाँ, अभी हमारे को पता था ना कि ये बिल्कुल सेंटर है, ओ ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है 125 बाय 125 हाँ 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 था, अदरवाइज नहीं ठीक होगा, अदरवाइज हमारे को और दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो अगर बिल्कुल हाँ स्केयर है तो उस वे में हम काम कर हाँ सकते। ठीक तो अभी ऑल वायर फ्रेम पैटीज अगेन रिटर्न, ठीक ठीक है है। उसके बाद हम यहां से इसका शेड चेंज कर सकते हैं, हाँ यहां से शाइन ही कर देंगे, यहां से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, हाँ यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज का कलर चेंज करना है तो यहां से व्यू में जाके अलग अलग मटेरियल दे सकते हैं, आउटलाइन शेडिंग है, कई बार गलती से ही हो जाता है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि कहां से चेंज करना। ठीक इस पर क्लिक किया तो ये देखो ये शाइनिंग हो गया। हाँ ठीक है, अगर किसी हाँ पर्टिकुलर चीज का कलर चेंज करना है, हाँ यहाँ पे व्यू में जा, यहाँ पे हमारे पास अच्छा एक और बड़ी अच्छी चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे ना एक कमांड फाइंडर है, आप यहाँ पे कोई भी कमांड लिखोगे ना जैसे लाइन, तो वो लाइन से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सब हमारे को नजर आएंगे, ठीक बाइसेक्टर लाइन, क्लोजेस्ट लाइन, लाइन है राइट टेंजेंट टू राइट एंटी, यहाँ से जो भी कलर दे देंगे वो कलर आने लगेगा ओह मॉडल का। ये पर्टिकुलर सरफेस के लिए ठीक है, तो ये हमारी ठीक ड्राइंग थी जिसको हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है।